वेलकम टू आपका अपना चैनल एस एन वाई सॉल्यूशन में स्वागत है। तो चलिए आज दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार एस्टेट रिजल्ट, जानिए रिजल्ट को लेकर कितना झूठ है और कितना सच। आपको बहुत सारे यूट्यूबर चैनल पे भी आपको मिल जा रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग मिल जा रहा है कि आपका इसमें, तो इसमें आप लोग मित्रों की जितने भी अगर एस्टेट के स्टूडेंट हैं तो इस बात पर आप लोग विश्वास ना करें। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि प्राथमिक के जो डायरेक्टर ऑफ प्राथमिक के जो रंजीत सिंह जी जो हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह, ये आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आज के डेट में वो क्या घोषणा क्या है। इसके साथ आपको हम पूरे लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो चलिए हम इस बात में हम बात करेंगे। तो दोस्तों कि आप लोग चैनल पर अगर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन की घंटी बजाए, जो कि एस एन वाई सॉल्यूशन की वीडियो आपसे आप तक सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं कि रंजीत कुमार जी ने क्या बताए हैं। तो रंजीत कुमार जी जो हैं आपका जो प्राथमिक टीचर के जो निर्देशक जी हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, तो ये आपको आज जो लाइव प्रूफ के साथ क्या बताया, तो ये सारा कुछ बताएंगे और इसका रिजल्ट कब आना है ये भी हम बताएंगे, वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो आप लोग अफवाह पे ना गिरे और आपका रिजल्ट आ रहा है आप लोग टेंशन ना ले। तो आपको हम बताते हैं वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि रिजल्ट कब आएगा। तो पहले आप रंजीत कुमार जी का बात को आप पहले ध्यान से सुनिए। के बीच कोरोना पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस वक्त कोरोना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन बिहार में छात्रों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का भविष्य ही खतरे में है। आखिर उनकी बहाली कब तक होगी, सरकार इसको लेकर क्या रणनीति बना रही है, इन सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर रंजीत कुमार सर जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बहुत लोग ऐसे हैं, लाखों की संख्या में योग्यता प्राप्त लोग हैं जो कि उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी बहाली हो जाएगी, शिक्षक बना दीजिएगा। शिक्षक नियोजन को लेके आपको पता है कि जो प्राइमरी टीचर्स को बहाली करनी है वो कोर्ट द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है उनका जो डायरेक्शन आएगा उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहाली की प्रक्रिया, जो नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जहाँ तक 10+2 और 9th 10th का सवाल है, माध्यमिक का सवाल है, तो उसमें ऑलरेडी जो है प्रोसेस जो है वो कर दिया गया है और उसमें जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एनआईओएस के खिलाफ एलपीए दायर किया जाएगा, तो वो कब तक किया जाएगा, कोई डेट? एलपीए के लिए ऑलरेडी तैयार किया गया है, जैसे स्टे हमें माननीय उच्च न्यायालय से मिल जाता है, जैसे कोर्ट ओपन होगी हम लोग प्रोसेस पूरा कर लेंगे। तो 17 को तो कोर्ट ओपन भी होने वाला है लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद जैसे लॉकडाउन पे डिपेंड है और जो कोर्ट के ओपन होने पे डिपेंड है कि जब डिपेंड होता है तो हम लोग जल्दी ही इसको प्रोसेस को पूरा करवाएंगे। एलपीए दाखिल करने के बाद सर अगर डिसीजन के लिए वेट किया जाएगा या फिर बहाली को खोल दिया जाएगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगवाया था कि आप डीएलएड को बच्चों को लीजिए, उसके बाद जो है सो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया, फिर एजी साहब के साथ डिस्कशन हुआ, तो जैसा कोर्ट का डायरेक्शन होगा, एनसीटी को लिखा गया, एनसीटी से भी पत्राचार किया जा रहा है, उनसे जो जवाब आएगा उन सबको एक बार हम लोग विचार विमर्श करने के बाद तुरंत जो है उसकी बहाली की प्रक्रिया जो है उसको शुरू करेंगे। इतना लेट क्यों हो रहा है सर, क्योंकि बात अभी की नहीं है, 2012 से भी शिक्षक ऐसे ही पड़े हुए हैं, 2017 में उन्होंने दिया, आखिर ये डिपार्टमेंट ही इतना स्लो क्यों काम कर रहा है? देखिए, इस बारे में नहीं कहा जा सकता है कि डिपार्टमेंट इतना स्लो क्यों काम कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो बहाली की प्रक्रिया, जब शिक्षकों की जरूरत होती है हर साल तो बहाली नहीं हो पाती है, इसका रीजन भी यही है कि जितने हमें शिक्षक की जरूरत है उस अनुपात में जितना खाली होता है उसी के अनुपात में हम लोग शिक्षक जो है बहाली प्रक्रिया करते हैं। और आपको पता है कि जब मैटर सब जुडिस हो जाता है देन फिर जो है हम लोग के हाथ जो है बन जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग वेट करते हैं, देन फिर जो डिसीजन होता है उसके हिसाब से करें। 2012 से कोई वैकेंसी नहीं आई टीचर्स की, क्या मतलब सीट पूरा फुल था, पूरे टीचर्स हैं हमारे पास? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 2012 से वो सीट फुल थे या फिर हमारे यहाँ जगह थी या नहीं थी, उसका रीजन मैं बताना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि जब हमारे सीट फुल होते हैं कि नहीं, दो तरह की चीज़ें होती है, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी क्या है, हम कितने टीचर्स को भी टेट पास करवा पाए हैं, टेट का एग्जाम होता है, फिर उसके हिसाब से बहाली की प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया होती है, उसमें दो तरह की चीज़ें होती है। आपको पता है कि टेट एग्जाम जो है मस्ट कर दिया गया है, टेट एग्जाम होने के बाद कितने हमारे एलिजिबल टेट, अभी भी आपने देखा है सिलेक्ट लिया गया है एग्जाम, उसका जब रिजल्ट जैसे ही आएगा तो अभी आपने देखा होगा कि 33,000 शिक्षकों का उसकी बहाली भी की जानी है, जो कि अभी कैबिनेट द्वारा अप्रूव हुआ है, तो वो भी बहाली जो है सो होने वाली है। लेकिन ये कहना कि इस साल से हुआ था, यहाँ तक हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये सब जो है नहीं हम उसका कुछ दे सकते हैं इस पर कुछ प्रतिक्रिया, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो प्रक्रिया अभी चल रही है
लॉकडाउन और कोरोना के चलते ये सब रुकी है, जैसे खत्म होगा तुरंत हम लोग इस बहाली प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। कहीं भी प्रशासनिक या सरकार के लेवल पे कोई डिले नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी शिक्षक है वो तो लगातार यही मांग कर रहे हैं सर, और कह भी रहे हैं कि डिले किया जा रहा है, दिख भी रहा है सर कि डिले किया जा रहा है, ऐसा भी दिख रहा है कि चुनाव के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये तो भी अब पॉलिटिकल आपके क्वेश्चंस है, लेकिन चुनाव का ना मुद्दा बन रहा है ना ये हो रहा है। आप अगर जब देखेंगे पूरी कंडीशन को तो आपको समझ में आएगा कि है कहाँ पे, मैटर क्या है, ठीक है? तो उसको आप देख लीजिए एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि कोई किसी को डिले करने का क्या दुख होता है। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि शिक्षक आ जाएं, स्कूल जो है प्रॉपर चल रही है, जितनी शिक्षकों की बहाली करनी है। आपने देखा होगा सारा प्रोसेस किया गया है डीएलएड के द्वारा, जो है जब इसको कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद इसमें फिर प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब हम लोगों को स्टे करना पड़ा। कोर्ट का निर्णय है, हमारा निर्णय नहीं है। क्योंकि सर मुखिया के थ्रू तो बहाली है नहीं, ये सभी लोग वैसे लोग हैं जो योग्यता प्राप्त है, टीईटी का एग्जाम भी लिया गया है इनसे, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बस यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा बहाली हो जाए ताकि मेरा फैमिली अच्छे से गुजारा कर पाए, वो कमा पाए और वो योग्यता प्राप्त है। आखिर दिक्कत कहाँ आ जा रही है, सरकार को क्यों नहीं दिख पा रहा है, ये मजबूरी क्यों नहीं दिख पा रहा है? आपको बता दिया हमने पहले ही, कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट के हिसाब से ना सभी चीज़ें चलेगी जब डायरेक्शन होगी। कोर्ट सरकार कितना गंभीर है आप समझ सकते हैं ना, सरकार खुद ही है, जब बहाली नहीं करना होता था क्यों निकाला गया, इतना सारी बहाली के लिए निकाला गया तो निश्चित रूप से तो बहाली के लिए निकाला गया। बच्चों की समस्या तो है क्योंकि कई जगह उन्होंने अप्लाई के लिए काफ़ी उन्होंने कष्ट सहना पड़ा है, लेकिन अब तो हम लोग खुद ही आगे की जो प्रक्रिया न्यू जो होने वाले हैं उसमें ऑनलाइन करने का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसको हम लोग करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट है जो बेरोजगार हमारे जो युवा हैं उनको तकलीफ नहीं हो। तो आपके कहने का मतलब है कि मंशा सरकार की क्लियर है कि बहाली होनी है, बिल्कुल कोर्ट के कारण, मतलब आपका मानना है कि कोर्ट के कारण जो भी डिले हो रहा है सरकार की मंशा बिल्कुल इसके लिए क्लियर है, सरकार बिल्कुल एकदम बहाली के पक्ष में है और बहाली करवाएगी, ये भी है। तो सभी लोगों के लिए आप यही कहेंगे कि लॉकडाउन जैसे खत्म होगा बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, जैसे लॉकडाउन खत्म होगी हम लोग तुरंत जो है बहाली की प्रक्रिया को शुरू करवाएंगे। बिल्कुल, तो आपने साफ तौर पे सुन लिया कि जो भी शिक्षक इस उम्मीद में है कि वो टीचर बनेंगे उनकी उम्मीद पर पानी नहीं फेरेगी सरकार, और जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रहा है पॉलिटिक्स से इतर हटकर बहाली की प्रक्रिया लॉकडाउन के बाद शुरू कर दी जाएगी। तो आप लोग जैसा भी है फ्रेंड कि आप लोग जो मेरी टीम जो इस पे काम कर रही है, तो पूरे मेरी टीम इस पे लगे हुई है, तो इससे आप लोग को जो आपके सामने जो आपको देख ही रहे हैं क्या, मतलब जो बताया जा रहा है जो रंजीत कुमार सिंह जी ने बताया ये जो आपका है, तो ये आपको देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट कब आना है, तो यहाँ पे एक संभावित डेट जारी किया गया था कि मतलब 15 मई तक आपका रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा, बट आप लोग का यहाँ पे लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट को अगर 15 मई तक रिजल्ट नहीं कर पाया तो आपका मई मंथ में रिजल्ट आना 100% श्योर है। तो आप लोग जितने भी एस्टेट का स्टूडेंट है वे अफवाह में ना गिरे का रिजल्ट इस दिन आ रहा है, बहुत सारा चैनल पे आपको मिलेगा शिक्षा मंत्री का ये कॉल रिकॉर्डिंग है ये, तो ये आप लोग अफवाह में ना गिरे, आप लोग धैर्य रखिए, आपका रिजल्ट आएगा, मई मंथ में ही रिजल्ट आएगा। धन्यवाद, फिर न्यू नोटिफिकेशन।